जहाँ से बोल रहे हो वहाँ एक भैंस, वहाँ जहाँ से बोल रहे हो ना वहीं से वहीं पे भैंस बांध लेना, तब देखना उसमें से क्या क्या चीज निकलता है। Hey guys, good morning. Welcome to my another vlog. So, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं बीच बाइकर मोहित। और आज है 23 तारीख सैटरडे और आज मेरी छुट्टी होती है सैटरडे को। और यहाँ पे है मम्मी, कुछ कर रही है। क्या कर रहे हो मम्मी? सफल मटर बना रही हूँ। सफल क्या? सफल मटर बना रही हूँ। सफल वो क्या होते हैं? अरे जो एक साल तक खाते हैं। अच्छा, खराब नहीं होते? खराब नहीं होते। तो कैसे बना रहे थे? इसको गर्म पानी करके इसमें उमाल के फिर इसको ठंडे पानी में मिला के फिर इनको सुखा के अब इसको पन्नी में रखेंगे। अभी एक साल तक खराब नहीं होंगे? एक साल तक खराब होंगे। ये लाइफ हैक्स हैं भाई, ये जो ये बूढ़े लोगों को ही पता रहते हैं बस। ये ऐसे लोगों को ही पता रहता है, हमें नहीं पता रहता, हम भी सीखते हैं। सो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस सीन ऐसा है, मैं जा रहा हूँ चंदू के वहाँ और ये खड़ी है अपनी बाइक और उसके घर कुछ काम है मुझे। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। वो देखो गाइस, 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें ना झंडे का पेंट करा हुआ है, मतलब ट्राई कलर। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ चंदू के वहाँ और मैंने ना बहुत मुश्किल से ये सेटअप बनाया है कि मैं ये बाइक चलाते हुए कर पाऊँ, और मेरे को बहुत डर लग रहा है तो मैं नहीं बना रहा, मैं घर जाके बनाऊँगा सीधा। तो गाइस अब मैं आ रहा हूँ चंदू के वहाँ और ये चंदू का भाई है, देखो कैसे शर्मा रहा है। और ये आंटी जी है, ये शर्मा रहा है चंदू संजू। अच्छा यूट्यूब बना रहा है ये वैसे कहता है मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मैं ब्लॉग बनाऊंगा और शर्मा रहा है। कहाँ जा रहा है वैसे ना? बहुत मतलब ये बहुत फैन है टेक्निकल गुरु जी का, ये वही करता रहता है। सो इतना ना ये लगा हुआ था मेरे को ब्लॉग बनाना, मैंने दिया कह रहा नहीं बना रहा, मुझे अजीब लग रहा है। देख सकते हैं आप, ये लगा चंदू। चला लेगा भाई आज वो कुछ तो है। ले गया भाई। आंटी हमारी, ये रही आंटी हमारी और ये रहा संजू। मम्मी भी बाय करती है, आंटी भी बाय करती है, यही करना आता है। तो भाई चंदू चले गए, हम भी चलते हैं यहाँ से। संजू तो बना ही नहीं रहा व्लॉग, अब क्या करें। संजू बना ना व्लॉग, बना। अरे मैं क्या बनाऊं व्लॉग, आपने शूट करना तो वो बताओ। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और मम्मी ये रही, मम्मी अपना मास्क लगा रही है। सो हम जा रहे हैं बैंक, मम्मी पे बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है। तो हम बैंक जा रहे हैं। ओके बाय बाय। सो गाइस हम 5 मिनट में घर भी आ चुके हैं और ये देखो जबरदस्ती लेके गई थी। और बैंक बैंक बंद होता है, इन्हें पता नहीं है, जैसे पता था मैं लेके ले गई। हाँ इन्हें अपना सामान लेना था, इन्हें अपना सिलाई का सामान लेना था इसलिए लेके गई थी मुझे। हाँ, और बैंक तो बंद ही था भाई, बैंक तो बंद था, काम निकलवा रही है देखना। हाँ। मासूम नहीं है। हाँ। और कुछ नहीं, और अब कह रही है पुलाव बना दू, अब मैं पुलाव बनाता हूँ फिर खिलाता हूँ फिर मैं खाऊंगा तब जाके मेरा पेट भरेगा, नहीं तो मम्मी ने तो भूखा मारना है आज मुझे। ताव से पहले ना हम बना रहे हैं कॉफी, क्योंकि कॉफी मम्मी ने बोला कॉफी बना दे और मम्मी चाय तो पीती नहीं है। तो मैंने बोला सोचा मैं चाय अपने लिए अलग बनाऊंगा, कॉफी मम्मी के अलग, तो मैंने सोचा कॉफी बना लेता हूँ अपने लिए भी। सो मैंने इसका पेस्ट तो बना लिया, पेस्ट है मतलब ये ना ऐसे है, देखो ये कॉफी है, ये इसमें ना अगर आप वैसे दूध में डाल लेते तो वो बहुत अजीब सी बनती है, बट अगर आप थोड़े से पानी में और पाउडर और हल्का सा चीनी, मतलब जितनी भी चीनी खाते हो वो डाल के उसे घुमाते रहो या मिक्स करते रहोगे ना तो वो व्हाइट सा हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद उसमें दूध डालोगे ना फिर बनती है एक नंबर कॉफी। सो कॉफी बना रहा हूँ मैं और मैंने पेस्ट बना लिया है और बस दूध डालना है, उसके बाद पुलाव बनाएंगे खाने के लिए, भूख लग रही है क्योंकि। सो मम्मी को देते हैं कॉफी और मम्मी को तो अच्छी लगती है कॉफी, तभी कहती है तू ही बना दिया कर। सो गाइस कॉफी तैयार है और मम्मी को देने जाता हूँ कॉफी और आपको दिखाता हूँ मम्मी का रिएक्शन कि मैं कॉफी कैसी बनाता हूँ। और मम्मी ने मेरी बेइज्जती मारेगी क्योंकि पिछले व्लॉग में मम्मी ने मेरी बेइज्जती मारी थी, तो वही सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा व्यूड पोर्शन जो था ना वही था व्लॉग का,
जिसमें मम्मी ने मेरे को बोला था मम्मी हेलो चला है मम्मी काम कर रही है चाय ये चाय लाए मेरे मैंने कहा इससे चाय बना शाबाश थैंक यू पी के तो बताओ देखती हूँ अभी मैं आंटी ने 500 रुपए दे रखे मेरे को पार्टी है मेरी ले लो ले ले हेलो हेलो बाय बाय तेरे पैकेट पूरा डाल दीजो पकला ये तो डालनी भाई बढ़िया नहीं हो रही कड़वा हो रहा है ये कोई बात नहीं ये नींद नहीं आएगी आपको भाई देखो मैंने कहा था ना कि मम्मी यही बोलेगी कि बेइज्जती माना ना मैंने छोड़ा नहीं मेरा अब तक पता नहीं कब जाके छोड़ेंगे भाई परेशान हूँ दुखी हूँ मैं कोई बात नहीं गाइस अब बनाते हैं चावल और उसके बाद खा के सोच रहा हूँ आज खेलने चले जाऊँ वॉलीबॉल जहाँ से पैर में लगी थी वहीं चलते हैं वापस तो मेरी चाय येरी और मुझे चाय सॉरी कह रहा हूँ कॉफी बनाने के मुझे मिले हैं 500 रुपए पूरे नहीं यार मम्मी ने नीचे रखने के लिए दिए बस उसके बाद मम्मी वापस ले लेगी चलो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं बाय बाय सो गाइस खाना वाना खा लिया और टाइम हो चुका है 3:30-4:15 इतना हो चुका है सो मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वॉलीबॉल खेलने चले जाऊँ स्पाइक्स तो नहीं बट मैं सोच रहा हूँ डिफेंस ही खेलने चले जाऊँ क्योंकि मेरे से जंप वंप नहीं हो रही थी ढंग से देखते हैं क्योंकि मैं घर पे बोर हो रहा हूँ और रोज कॉलेज वॉलेज जाना ना और आज दिन भर घर सुबह से घर पे ही रहना सो वैसे भी मैं क्रिकेट खेलने भी गया था कोई बात नहीं चलते हैं जैसे वो गांव में आके वहाँ नहीं मारते हैं छाओ अरे अरे वो वही तो ठहरा जो भेज देती है वो है पहले भैंस का दूध जमाते हैं फिर उसका दही बनाते हैं फिर वो ऐसे एक वो जो आपके वहाँ लट्ठी पर रोड़ी नहीं होती है वो रोड़ी से ऐसे ऐसे घुआ 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 करते हैं फिर उसमें से वो मक्खन अलग कर देते हैं नोनी अलग कर देते हैं फिर उसको छा बोलते हैं अच्छा नहीं है आपको पता आप जहाँ से बोल रहे हो वहाँ एक भैंस वहाँ जहाँ से बोल रहे हो ना वहीं से वहीं पे भैंस बांध लेना तब देखना उसमें से क्या क्या चीज निकलता है तो गाइस मैं घर आ चुका था और मैंने खाना वाना खा लिया है और मम्मी वो भी खा ही लिया सो वैसे हम साथ में ही खाते हैं खाना बट मम्मी का कॉल आ गया था किसी का अननोन नंबर पता नहीं कौन है जानती है नहीं जानती पता नहीं अभी तक तो अननोन है और सो मम्मी उसी से मजाक कर रही है और पापा ऊपर जा रखे हैं और मम्मी खा ही रही है अब तक खा ही रही है बस और मम्मी उसी से बात कर रही है पता नहीं कौन है सो हम भी चल पता नहीं सारे गैस कर रहे हैं नंबर कि किसका है सो हम ऊपर चलते हैं अब इसके बाद करेंगे एडिटिंग और थोड़ा पढ़ेंगे और सो जाएंगे बाय बाय सो भाई देखो गैस ही कर रहे हैं तब से कोई बात नहीं हम चलते हैं ऊपर और मिलते हैं सो गाइस रात के बज चुके हैं 9:30 और मैंने खाना वाना खा लिया है और नीचे ना इतनी मुश्किल से मैंने वीडियो शूट करी मतलब जो पापा का भी मम्मी बोल जा रही थी कि इसका फोन है कभी पापा बोल जा रहे थे पर जिसका भी था मम्मी बहुत मजे ले रही थी उससे कि ऐसा है वैसा है बट हो तो आज का दिन तो ठीक ही था और मैंने खेला ना जरा आज तो मेरा पैर थोड़ा खुला तो थोड़ा सही लग रहा है मुझे अब मतलब दर्द कम हो रहा है तो अब मुझे बेटर लग रहा है खेलने से और पापा कह रहे थे दोबारा ऐसा हो जाएगा दोबारा वैसा हो जाएगा पर हो अगर थोड़ी सी भी मतलब मुड़ता ना तो दोबारा वैसे ही हो जाता बट यार बोर हो चुका था मैं खेला नहीं था एक महीने से 20 तारीख को लगी थी मेरी और दोबारा 20 तारीख आ गई है तो सो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में बाय बाय